सर आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले हम। मेरा परिचय हुआ, मेरा जन्म सीतामढ़ी जिला के हरदिया गांव में है। मेरा नाम भगवान दास मिश्र हुआ और मैं वही रहता हूँ। जयनगर में अभी आप भागवत कथा का प्रवचन कर रहे हैं, ये भागवत कथा आप कितने दिनों से कर रहे हैं? विगत 15 सालों से लगभग प्रवचन के क्षेत्र में मैं हूँ। भागवत कथा करता हूँ, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, भगवान के विभिन्न कथाओं को मैं समाज में रखता हूँ। केवल मधुबनी जिला में ही करते हैं कि और जगह करते हैं? नहीं, देश के विभिन्न भागों में, चारों धाम में मेरी कथा हो चुकी है। चौथे धाम में बद्रीनाथ में भी जा रहे हैं और लगातार करीब 9 वर्षों से बाहर की कथा कर रहा हूँ। अपने क्षेत्र में भी मधुबनी जिला, सीतामढ़ी जिला में करता हूँ। सर ये जो भागवत कथा आप कर रहे हैं, इसकी दीक्षा शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई आपको? श्रीधाम वृंदावन से मेरे गुरुदेव हैं, पूज्य 1008 श्री पूर्ण जी वेद पाठी, उनका नाम रहा है। और उनसे मेरी मुलाकात भी मिथिलानी हुई थी जब वो मधुबनी जिला में आते रहे हैं, तो इसी क्रम में उनसे मुलाकात हुआ था। फिर मैंने उनका सब स्वीकार किया और श्रीधाम वृंदावन उनसे भागवत प्रवचन की। सर आपने राधा कृष्ण मंदिर की चर्चा किया था जी, वो राधा कृष्ण मंदिर आपके पूर्वजों की देन है? हाँ, मेरे पितामह जो अपने पूर्व जीवन में या संपूर्ण जीवन कह लीजिए जी, वो वैद्य थे जी। और जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने वैराग्य आया, तो घर त्याग करके एक वीरान में बैठ गए तालाब के ऊपर और बहुत दिनों तक साधना की। बाद में वहाँ उन्होंने ठाकुर जी की स्थापना की और वहीं पे आजीवन फिर रह गए त्याग में। आपका जीवन सर पारिवारिक है कि सन्यासी जीवन है? सर मेरा जीवन पारिवारिक है, मैं मेवात में रहता हूँ, मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। वे लोग किस कार्य में लगे हुए हैं? आप गीते जैसे कार्यों में लगे हैं कि एजुकेशन में? नहीं, वो लोग पढ़ाई, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्ची का विवाह हो चुका है। और मैं अपने गुरुदेव की परंपरा से, जैसे मेरे पितामह भी गुरुदेव हैं और भागवत प्रवचन के लिए मैं वृंदावन उभर गया, लेकिन आध्यात्मिकता तो मेरे एक ब्लड में रहा, पितामह से, पिता से। तो अभी मैं मंदिर पर रह के वहाँ पर बच्चों को निःशुल्क संस्कृत शिक्षा देता हूँ, जिसमें भागवत शिक्षा भी, और उस मरुभूमि बच्चों का भोजन, रहना, खाना पीना सब उनमें वो संस्कार डालता हूँ जो ये भारतीय परंपरा की, भारतीय संस्कृति की परंपरा बनी रहे। और वहाँ सत्संग का भी आयोजन, जैसे ऊपरी मेरे निकट में है, हरदिया के निकट में, तो वहाँ पे सत्संग का बड़ा आयोजन करता हूँ, जिनमें संतों को बुला के उनके द्वारा प्रवचन करवाने का एक अगुवाई सा करता हूँ। जो वहाँ के सज्जन सब हैं वो लोग मेरे साथ मिलकर आए से आयोजन करते हैं। सुनना, आप क्या बताए थे सर? मेरा नाम है भगवान दास मिश्र। सर ये पुपड़ी के आसपास, वो तो नेपाल बॉर्डर है सर, तो नेपाल में भी आप धार्मिक अनुष्ठानों में जाते हैं उधर? जी जी, जनकपुर में जानकी स्थान में मेरे द्वारा संभागुता हो चुकी है। अभी इस बार भी मान जी ने कहा है पुरुषोत्तम मास में आके दोबारा प्रस्तुति दीजिए, मैं गया था। और वहीं पे पिपरा है गांव जहाँ पे भागवत कथा हो। सर जयनगर में आपका प्रवचन चल रहा है और मेरे टीवी चैनल से इसका प्रसारण भी हो रहा है, आप देखे भी होंगे, आपने, आपको कैसा लगा सर? अरे इसमें तो बिल्कुल आपको हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद है, बहुत अच्छा लगा। आपने यूट्यूब पर भी डाला है, लाइव भी देखता हूँ। जो मेरी कथा वाचकी में अभी तक ये नहीं था, कैसेट बना के लोगों ने रखा जी, लेकिन यदि आर्थिक संसाधन कहें तो उसमें मैं अपने को समझ नहीं मानता कि मैं बड़े बड़े चरणों पर मेरे द्वारा प्रवचन को समाज में दिखाया जाए। लेकिन आपने बिना मुझसे किसी परिचय के केवल अपने जो आपका एक, हमें लगता है कि जो मिशन है कि अच्छे चीज़ों को हम परोसे समाज में, समाज का विकास, इस भावना के तहत आप आ गए और फिर आपने किया है, तो इस भावना को मैं बहुत कायल हूँ। सर आपके कार्यक्रम को जो टीवी चैनल पर हमने दिखलाया और आपको मार्किंग करने के लिए दिया जाए तो 100 में कितना अंक हमको देंगे? अरे इसमें कहने की बात है, 100% हम तो लगा कि आस्था पे जैसे इंटरव्यू हो रहा है, साधना पे इंटरव्यू, ये नहीं लगा कि आपके वो कितना 985 चैनल आपका 985 985 इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा नहीं लगा। वो प्रस्तुति तो लगा कि बिल्कुल जैसे आस्था पे हो रहा है, साधना पे हो रहा है।
इससे अच्छा हो क्या सर? पूरा अंक देंगे हमको आप। हम तो दे ही रहे हैं। और भगवान से भी कहते हैं कि पूरा अंक आपको दें, आपके जीवन में सफलता रहे, जो आपकी एक जुनून है पत्रकारिता का, जिससे आप समाज की सेवा करते हैं। और वाकई यादव जी, इस समाज में तो भगवान है, भागवत भगवान क्या कहते हैं, सर्वं खल्विदं ब्रह्म है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। समाज की सेवा ही भागवत सेवा है। भागवत का भागवत भवन का यही उपदेश है कि हम इस मानवता की नहीं, सम सर्वभूत स्वयं मेरे जो गुरुदेव हैं भागवत के परम प्रवक्ता भगवान सुखदेव, उनके विषय में कहा जाता है कि वो सर्वभूत स्वयं हैं, सबके मित्र हैं। ये भाव भागवत है। सर भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मुझे भी खुशी हुई आपको, आपके कार्यक्रम को प्रस्तुत करने से मुझे मौका मिला, मुझे बेहद खुशी हुई। धन्यवाद। बिल्कुल, इसलिए कि आप आत्मा से जुड़ के काम करते हो तो खुशी होगी।